So guys, ये काफी खूबसूरत एरिया लगता है। सुन यहाँ से ताजमहल दिखता है, दिख रहा है? दुआ मांग रहा है। अबे एक बार बताओ भाई, यार तुमने वहां सर झुकाया जहाँ अच्छे अच्छे बादशाह सर झुकाते थे। और देख सकते हैं ये एक कांच का थोड़ा छोटा सा रूम बना हुआ है। इसमें ये 1000 साल पुराना इसके अंदर दरवाजा रखा हुआ है। What's your name, sir? Alex. Alex from Hungary. Yeah. ये Alex from Hungary, ये Hungary से आए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। You know Hindi language? नहीं। Little bit? Only three words. Three words? What the three words? हाँ, नहीं। धन्यवाद। Oh, धन्यवाद। It's thank you so much. Yeah. इंडियन का टिकट है वो 50 रुपए का है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइस 3 टिकट ले चुके हैं अभी। अबे हर ईरानी थोड़ा ना होती, ये लो अपना अपना टिकट। सो गाइस चल रहे हैं अभी आगरा फोर्ट के अंदर, टिकट ले लिया गाइस 50 रुपए पर पर्सन है, तो वो देख सकते हैं। और यहाँ पे कैरी बैग ये जो है अलाउ है अंदर, देख सकते हैं काफी ज्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो अभी चल रहे हैं इसके अंदर, काफी ज्यादा फॉरनर यहाँ पे आते हैं। कैसा लगा, हाउ वाज आगरा फोर्ट विलेज? अच्छा एक वर्ड में इसके बारे में बताओ भाई। अपने शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। गाइस काफी ज्यादा फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे टिकट काउंटर भी था, टिकट 50 रुपए का था। तो आप यहाँ पे अंदर एंट्री करके आप यहाँ पे टिकट दिखाएंगे तब जाके एंट्री मिलेगी इसके अंदर। बहुत ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, और ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा कितनी आ रही है ना, महान अकबर पधार रहे हैं। के ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, जब किसी का घोड़ा आता था अंदर, जब घोड़ा जब कट 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 चलता था तो आवाज घूमती थी, जैसे कोई आक्रमण करने के लिए अंदर कोई एंट्री मार देता था। आक्रमण पर भालन में हो गए थे किला गई थे तो, लेकिन पहले ऐसे महान राजा रहे जो किला तोड़ के भला होता अंदर पे, ये तो मिट्टी के बने हुए किला तोड़ दे रहा, तोप आगे धरी है तोप, और ये दवाल पर लग रहा गोला धार। देख लो इसकी कैसा लगा, कितना बड़ा है। सो गाइस ये काफी खूबसूरत एरिया लगता है, ये जागीर का किला था मतलब। और देख सकते हैं ये जागीर का टब भी रखा जिसमें जागीर नहाया करते थे, और लिखा भी हुआ है जागीर बाथ टब, और इसमें जागीर पानी इसके अंदर भरा जाता था, ये उसी में नहाया करते थे गाइस। सोचो ये लोग कितने माइंडेड थे। अरे काफी ज्यादा भव्य और काफी ज्यादा नक्काशी वाला है, देख सकते हैं ये, मतलब वाकई इसको बनाने में अच्छा खासा इन्होंने टाइम दिया है। आजकल के जो घर होते हैं वो फटाफट बनवा देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। Look at the building, turn back. अभी मैं आप लोगों को इसकी आकृति दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं कितना ज्यादा ये एंटिक बना रखा है, ये चीज आज के टाइम में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कुछ ऐसा नज़ारा है आगरा फोर्ट के अंदर का, और ये मेरे हिसाब से इधर का हिस्सा टूट चुका है विमलेश, देखो देख सकते हैं कितने ज़्यादा फॉरेनर हैं यहाँ पे, ये जितने भी हैं सब फॉरेनर हैं, सारे बाहर से आए हुए हैं। अच्छा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दरवाज़ा देखो ये दरवाजे नए लगे हैं ना, नए ना लगे हैं नहीं यार, 4 साल पुराने दरवाजे में लगा देखा हूँ, पत्थर का डिजाइन देखो यार, कैसे पत्थर मैनेजमेंट करा गया होगा ना रखने के लिए। सेम यहाँ पर भी वही चीज बनी हुई है कि बरसात का पानी यहाँ कलेक्ट होता था, और ये भी था ये यहाँ पे बरसात का पानी जमा होता था, ये वैसे ही नालियाँ बनी हुई हैं गाइस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ताजमहल दिखता है, दिख रहा है? दिख रहा है? भाई विश्वास ना आ रहा है। अबे आप डायरेक्ट यहाँ से ताजमहल को निहार सकते हैं।
गाइस देख सकते हैं जितना भी ये मार्बल वर्क है ये शाहजहाँ ने करवाया था, जितना भी ये रेड वर्क है, रेड स्टोन का वर्क है, रेड पत्थर का, लाल पत्थर का जितना काम है ये सब अकबर ने करवाया था। और देख सकते हैं ये एक कांच का थोड़ा छोटा सा रूम बना हुआ है, इसमें एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट टाइम की रखी हुई है, ये 1000 साल पुराना इसके अंदर दरवाज़ा रखा हुआ है, मैंने फ़ोटो डाल दिया, आप फ़ोटो देख लीजिएगा, वो 1000 साल पुराना है। तो गाइस देख सकते हैं गजनवी दरवाज़ा, ये 1030 ईस्वी में बना था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसके अंदर दरवाज़ा मूल रूप से यह दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। 1882 में इसमें गजनी से अंग्रेज़ यह दरवाज़ा उखाड़ लाया, गवर्नर जनरल लॉर्ड की ऐतिहासिक घोषणा में यह कहा गया था कि यह चंदन का वही दरवाज़ा है जिसे महमूद सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था। मैं यहाँ से व्यू आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा अच्छा आता है, अभी इसके अंदर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये जो पत्थर हुआ करते थे, इनमें जो पत्थर जड़े रहते थे ये काफ़ी महंगे पत्थर हुआ करते थे, जैसे कि ये है मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और काफ़ी जो अंग्रेज़ आए थे मतलब भारत में, तो उन्होंने ये महंगे महंगे पत्थर निकाल लिए थे, देख सकते हैं इसमें से ही पत्थर गायब है, इसमें से ही पत्थर गायब है, इसमें से पत्थर गायब है, इसमें से पत्थर गायब है। जो मेन पत्थर हुआ करते थे जैसे कि ये है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे ये तब के टाइम में, ये आज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बैठे हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये संगमरमर की जगह है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अभी गुड लेफ्ट हम माथा टेकने गया है, ये वही जगह है जहाँ पे औरंगज़ेब, जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर लोग नमाज़ पढ़ा करते थे, ये वही जगह है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये 400 से 500 साल पुरानी ये मस्जिद है। अबे बिमले, अब एक बार बताओ भाई, यार तुमने वहाँ सर झुकाया जहाँ अच्छे अच्छे बादशाह सर झुका देते हैं, एक बार झुकता है वो भी ऊपर वाले के सामने। Which place are you staying in India? I come from I've been to Jodhpur and to Udaipur. Jodhpur, Udaipur. Yeah. And next trip? I have to go to Delhi from here. Delhi. Delhi is too poor city in India. I know, I have some business to do and yeah. Then I will go travel. Oh. So how many days are you staying in India? Many. Many? A couple months, yeah. Oh. Few months? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. But are you like Indian culture and Indian people? So far, yeah. 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 I mean, but so far I've only been to Rajasthan and now today I got here like 6 hours ago. Yeah. Are you visit Rajasthan? Rajasthan Palace. Hawamahal. Hawamahal. Hawamahal was the best tourist attraction in Jaipur. Jaipur. I haven't been to Jaipur. Jaipur in Jaipur, capital of Rajasthan. I know. I very know. Best yeah. Place. Maybe I'll go. Very there. Best place, Jaipur. Uh-huh. Nice place. Nice place, yeah. Jaipur. Maybe I'll go there. I have no plans. You visit Goa? Later, yeah. Yeah, Goa very expensive and beautiful tropical beaches like Miami. Like Miami. Yeah. I don't know how Miami is. I've never been there. Tropical beaches, white sand, blue sea. Uh-huh. Is there surfing? Yeah. Swimming in yeah. The water. Many Russians are staying in Goa. Many Russians. Russians? Yeah. Yeah. Very good place in India, Goa. I will probably check it out. Yeah.
सो गाइस देख सकते हैं ये है सर जो व्हाट्स योर नेम सर एलेक्स एलेक्स फ्रॉम हंगरी ये एलेक्स फ्रॉम हंगरी ये हंगरी से आए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यू नो हिंदी लैंग्वेज तो ज़्यादा हिंदी नहीं आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनके साथ हम लोग को टाइम स्पेंड करते हुए तो फाइनली गाइस घूम चुके हैं पूरा फोर्ट और शाम के 5 बज चुके हैं तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ और इतना ही कहना चाहूँगा अगर जो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये प्लेस और मेरा सपना था मैं श्रेया को यहाँ लाऊँ तो श्रेया को घुमा चुका हूँ विमलेश को भी घुमा दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर